ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जितना जोर लगाना है लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ होंगे, निगरान हुकूमत के होते हुए इसी साल होंगे। राणा सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, बोले इलेक्शन करीब आएगा तो नवाज शरीफ भी आएंगे, इंतखाबी मुहिम की क्यादत करेंगे। वजीर दाखला ने कहा एक ओबाश टोले ने फितने को मुल्क पर मुसल्लत किया, इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है हमसे गलती हुई, अजाला करेंगे। हमारी पोजीशन यही है कि आप मुज़ाकरात करें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो इतने गैर संजीदा माहौल में क्या बातचीत होनी है। तो जमात इस्लामी आई है, हमने उनको भी यही रेट किया कि जनाब आप मुज़ाकरात में, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, आप आइए बिस्मिल्लाह करिए। पीपल्स पार्टी ने एक दिन पहले ये मौकफ लिया और अगले दिन अली जैदी को कराची में अरेस्ट कर लिया। इलेक्शन की तारीख चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर माहौल साजगार नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं एक तरफ मुज़ाकरात का बयान दिया गया और दूसरी तरफ अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी से भी मसाइल हल होते हैं तो कर लें गिरफ्तार। इंतखाबात की मुत्तफिका तारीख का 1 पॉइंट एजेंडा, जमात इस्लामी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिराजुल हक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकातें मुस्बत रहीं। तहरीक इंसाफ को मई के बाद और हुकूमत को अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवाने पर राजी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सियासतदान बैठें और बात करें, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की राय, बोले पार्लियामेंट की कानून साजी का हक तस्लीम नहीं करना तो इलेक्शन का मजाक खत्म करें। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के आइन से तजावुज फैसले को मानने से इनकार कर सकती है। चीफ जस्टिस इदारों में टकराव के माहौल में कमी लाएं, हुकूमत भी हठधर्मी तर्क करे। पंजाब की तरक्की का सफर पिछली हुकूमत ने जानबूझकर रोका, आवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया, सूबा कठपुतली वजीर आला के सुपुर्द किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कड़ी तंकीद, इजलास में मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। लाहौर में तरक्याती मंसूबों का दौरा, ब्रिज प्रोजेक्ट 2.5 माह की बजाय 1 माह में मुकम्मल और थर्ड पार्टी तब्दील करने की हिदायत। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड्स का मामला फिर पार्लियामेंट पहुंच गया, कायमा कमेटी बराए खजाना का खसूसी इजलास कल तलब, कौमी असेंबली की पेशगी मंजूरी के बगैर फंड्स जारी करने के अदालती अहकाम का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया। आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन, फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शदीद, फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑपोजिशन के साथ मामला तय होने का दावा। वजारत उज़्मा के लिए चौधरी इखलाक और चौधरी रशीद का नाम पेश। कानून साज असेंबली का इजलास 3 घंटे ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन पीटीआई के किसी रुकन ने शिरकत ना की, सिर्फ ऑपोजिशन अराकीन ही मौजूद रहे। कोरम पूरा ना होने पर इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। ट्रैफिक हादसे में जाम बहक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर अबाई इलाके लकी मरवत में सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर और टक्कर मारने वाले की गाड़ी की 110 किलोमीटर फी घंटा थी। टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलवामा मोदी का ड्रामा, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के इंकशाफात ने हकीकत खोल कर रख दी, पाकिस्तान के मौकिफ की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सत्यपाल मलिक के बयान ने पाकिस्तान को इल्जामात से बरी कर दिया, आलमी बरादरी नोटिस ले, भारत को सवालात का जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान भारत के झूठे बयानिए का मुकाबला करता रहेगा।
चीनी की स्मगलिंग, जखीरांदोजी और मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। वजीर आजम ने क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ के मुलविस किरदारों से आहनी हाथों से निमटने और सख्त सजा देने की हिदायत। बोले आवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वजीर अला पंजाब को चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। कुछ गलतियां मरदम शुमारी का महकमा और कुछ अवाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं शहरी खुद को रजिस्टर करवाएंगे तो वसाइल की तकसीम भी दुरुस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की आबादी ज्यादा दिखाकर सीटें बढ़ाना चाहती है। कराची के शाह लतीफ पुलिस स्टेशन पर एवीसीसी का छापा, दो नौजवानों को बाजियाब करवा लिया। तावान वसूल करने वाले चार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मलीर का नोटिस, मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सरकार की मुदय्यत में तीन मुकदमात दर्ज। एक टाइम की रोटी भी इस वक्त पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेट्रोल की वजह से दूसरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। दरमियाना तबका किधर जाएगा, उसको मार दे, गोली मार दे यार, साइकिल भेज देगा, साइकिल ले लेगा। ईदी देनी थी, ईदी मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से। ईद सर पर है, पेट्रोल महंगा तो सब महंगा, कीमत बढ़ाएं नहीं कम करें। शहरियों ने हुकूमत से अपील कर दी। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा किया, नई कीमत 282 रुपए हो गई। ईद से पहले आखिरी इतवार, खरीदारों से भर गए बाजार। छोटे बड़े शहरों में रश ही रश, खवातीन और बच्चे खरीदारी में सबसे आगे। खवातीन को मैचिंग शूज, ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। मर्दों की नए डिजाइन के कुर्तों में दिलचस्पी। दर्जियों के नखरे आसमान पर, दुकानों पर बुकिंग बंद के बोर्ड्स लगा दिए। पुलवामा, मोदी का ड्रामा। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के इंकशाफात ने हकीकत खोल कर रख दी। पाकिस्तान के मौकिफ की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सत्यपाल मलिक के बयान ने पाकिस्तान को इल्जामात से बरी कर दिया। आलमी बरादरी नोटिस ले, भारत को सवालात का जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान भारत के झूठे बयानिए का मुकाबला करता रहेगा। चीनी की स्मगलिंग, जखीरांदोजी और मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। वजीर आजम ने क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ के मुलविस किरदारों से आहनी हाथों से निमटने और सख्त सजा देने की हिदायत। बोले आवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वजीर अला पंजाब को चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। कुछ गलतियां मरदम शुमारी का महकमा और कुछ अवाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं शहरी खुद को रजिस्टर करवाएंगे तो वसाइल की तकसीम भी दुरुस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की आबादी ज्यादा दिखाकर सीटें बढ़ाना चाहती है। कराची के शाह लतीफ पुलिस स्टेशन पर एवीसीसी का छापा, दो नौजवानों को बाजियाब करवा लिया। तावान वसूल करने वाले चार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मलीर का नोटिस, मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सरकार की मुदय्यत में तीन मुकदमात दर्ज। एक टाइम की रोटी भी इस वक्त पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेट्रोल की वजह से दूसरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। दरमियाना तबका किधर जाएगा, उसको मार दे, गोली मार दे यार, साइकिल भेज देगा, साइकिल ले लेगा। ईदी देनी थी, ईदी मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से। ईद सर पर है, पेट्रोल महंगा तो सब महंगा, कीमत बढ़ाएं नहीं कम करें। शहरियों ने हुकूमत से अपील कर दी। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा किया, नई कीमत 282 रुपए हो गई। ईद से पहले आखिरी इतवार, खरीदारों से भर गए बाजार। छोटे बड़े शहरों में रश ही रश, खवातीन और बच्चे खरीदारी में सबसे आगे। खवातीन को मैचिंग शूज, ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। मर्दों की नए डिजाइन के कुर्तों में दिलचस्पी। दर्जियों के नखरे आसमान पर, दुकानों पर बुकिंग बंद के बोर्ड्स लगा दिए।